माहेश्वरी समाज के उत्थान के लिए चांदपुर नगर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माहेश्वरी समाज के उत्थान के लिए योजना तैयार की गई। दरअसल चांदपुर नगर के पंचवटी होटल में माहेश्वरी सभा चांदपुर द्वारा एक बैठक अध्यक्ष शिवकुमार माहेश्वरी की अध्यक्षता एवं जिले के संरक्षक अजय माहेश्वरी, वेद प्रकाश माहेश्वरी एवं अशोक माहेश्वरी की संरक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माहेश्वरी समाज के उत्थान के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने अपने समाज के बच्चों को शिक्षित कर अच्छी नौकरी दिलाने के लिए प्रेरणा दी। वक्ताओं ने कहा कि अपने समाज के किसी व्यक्ति पर अगर कोई समस्या आती है तो माहेश्वरी समाज उसके लिए हर तरह से तैयार रहेगा। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल डागा एवं जिला बिजनौर के समस्त पदाधिकारी गण एवं स्थानीय माहेश्वरी बंधु उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में मेघावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। माहेश्वरी समाज चांदपुर के एक बालक विशाल माहेश्वरी का विपरीत परिस्थितियों में सरकारी नौकरी में चयन होने पर सम्मानित किया गया। बैठक को सफल बनाने पर नवीन माहेश्वरी ने समस्त स्थानीय बंधुओं का आभार व्यक्त किया। बैठक में राजीव माहेश्वरी, संजीव माहेश्वरी, पल्लव माहेश्वरी, मनोज माहेश्वरी, पंकज माहेश्वरी, अजय माहेश्वरी, गौरव माहेश्वरी, मयंक माहेश्वरी चंदन, रागिनी माहेश्वरी, अनुराधा माहेश्वरी, राधा माहेश्वरी, मृदुला माहेश्वरी, अन्नू माहेश्वरी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप डेजी ने किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। जी आपका शुभ नाम? शिवकुमार माहेश्वरी, जिला अध्यक्ष, जिला माहेश्वरी सभा। ये आज जो प्रोग्राम आयोजित है ये किस संस्था के द्वारा हुआ हुआ है? माहेश्वरी समाज के द्वारा, माहेश्वरी समाज। आज का क्या उद्देश्य रहा है कार्यक्रम का? माहेश्वरी समाज को जागृत करना और देश के लिए समर्पित होना, राष्ट्र के लिए कार्य करना, यही हमारा उद्देश्य है और समाज को उत्थान की तरफ लेके जाना। क्या जिले में माहेश्वरी सभा के द्वारा कोई संस्था, मतलब कोई बिल्डिंग टाइप में है बना हुआ, जिस भवन को या कोई है जिले में? समाज की तरफ से जीवाबाद में, रामपुर में माहेश्वरी सभा के भवन बने हुए हैं। या कोई माहेश्वरी समाज का कोई अस्पताल या अन्य कोई ऐसा समाज सेवी संस्था बनी हुई है? महासभा की तरफ से, हमारे माहेश्वरी समाज की तरफ से, जो माहेश्वरी समाज के लोग हैं उनके लिए, जैसे कैंसर है और बहुत सी बीमारी, उनके लिए 1,00,000 रुपये दिया जाता है और वो रिफंडेबल नहीं है। और पढ़ाई के लिए भी समय समय पर माहेश्वरी समाज को पैसे दिए जाते हैं और हमारे यहाँ एक मिशन 100 चला हुआ है, जिसके अंदर हम IAS, IPS और IFS जजेस बनाने की हमने संकल्प लिया है। 2030 तक हमें 100 माहेश्वरी समाज के युवाओं को, चाहे वो पुरुष हो, लड़के हो या लड़कियाँ हो, उनको IAS, IFS और जजेस में निकालना है। ये हमारा मिशन है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? ये जो प्रोग्राम आज आयोजित किया जा रहा है किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? ये जिला माहेश्वरी समाज के द्वारा आयोजित हुआ और ये जो इसके होस्ट हैं, जो आयोजक रहे हैं, वो चांदपुर माहेश्वरी समाज और जिसमें हमारे बड़े भाई जो संरक्षक भी हैं अजय माहेश्वरी जी, उसका संचालन। आज का प्रोग्राम करने का क्या उद्देश्य रहा है? समाज को संगठित करना और हर 4 महीने में ही हमारा कार्यक्रम होता है अलग अलग शहर में। तो इससे मैं पिछले 4 महीने पहले गुरुद्वार में था, अब यहाँ हुआ, अगले 4 महीने बाद धामपुर में होगा। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी श्रीपाल माहेश्वरी जी के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम होता है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ पूरे माहेश्वरी समाज को कि हमारे भगवान महेश के वंशज हैं। इसी तरह से हमारे नई पीढ़ी तक ये कार्यक्रम संस्कारों के माध्यम से आगे जाएगा, इसी ये उद्देश्य हमारे कार्यक्रम का रहता है। क्या ये ओनली चांदपुर में सीमित है और कहीं भी है? नहीं, ये पूरा जिला माहेश्वरी समाज के कार्यक्रम है जो पूरे जिले में होता है, अलग अलग शहरों में अलग 4 महीने बाद। लगभग कितनी संख्या रही होगी इसमें? लगभग 63-70 लोग थे, क्योंकि ये बोर्ड की मीटिंग रहती है हमारी, जिसमें बोर्ड में 40 लोग हैं और बाकी स्थानीय लोग होते हैं जिन्हें शहर में कार्यक्रम होता है। धन्यवाद।